मैं भीमराव अंबेडकर, आज से 133 साल पहले 14 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ था। कुछ ही दिन बाद मेरा जन्मदिन आ रहा है। मैंने इस देश के लिए, यहाँ के दलित एवं पिछड़े समाज के लिए क्या किया, उसका मुझे जिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर एक बात से मेरा दिल दुखता है और वो मुझे आज कहना है। आपको ये वादा करना है कि आने वाले 14 अप्रैल से पहले जो मैं आपको कहूं उसका आप खुद पता करें। आजकल इंटरनेट पर गूगल सर्च करने से सब मिलता है। मेरे बारे में तो इंटरनेट भरा पड़ा है, बस आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल सर्च करना है। मेरा जन्मदिन आने से पहले मैं जो आपको बता रहा हूं उसकी हकीकत का खुद पता लगाएं। पहली बात, जब पूरे देश के सब बड़े लोग कांग्रेस पार्टी में होना अभिमान की बात मानते थे, तब भी मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा। दूसरी बात, मुझे आजाद भारत का पहला कानून मंत्री कांग्रेस में ना होते हुए भी इसलिए बनाया गया क्योंकि वो मेरी काबिलियत थी, क्योंकि उस टाइम देश का संविधान और दूसरे बहुत से कानून बन रहे थे। तीसरी बात, कानून मंत्री रहते हुए मुझे कांग्रेस के प्रधानमंत्री नेहरू और बाकी कांग्रेस के सभी लोगों ने हमेशा बेइज्जत किया, और इतना ज्यादा बेइज्जत किया कि आखिर में मुझे 1951 में इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देते समय मैंने इस्तीफा लेटर में सब डिटेल में लिखा कि मुझे कैसे कैसे बेइज्जत किया गया। उस लेटर के महत्वपूर्ण बिंदु यह हैं। पहला, मुझे कभी भी कोई महत्वपूर्ण पद कैबिनेट में जानबूझकर नहीं दिया गया और हमेशा साइडलाइन करके बेइज्जत महसूस कराया गया। दूसरा, नेहरू को दलितों की संरक्षण की बिल्कुल चिंता नहीं थी, बल्कि उसको मुसलमानों के संरक्षण में ज्यादा रुचि थी। तीसरा, नेहरू ने देश की विदेश नीति की वाट लगा रखी थी। एक भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा था, और कश्मीर के मुद्दे पर तो उसने और ज्यादा हालत खराब कर दी थी। चौथा, हिंदू कोड कानून भारत में समाज सुधार का एक बहुत बड़ा हथियार था और यह मेरे दिल के बहुत करीब था। इसको नेहरू ने कभी पास नहीं होने दिया। मैंने जितनी कोशिश की, नेहरू और कांग्रेस ने उतना ही ज्यादा रोड़ा अटकाया। इन सब बातों से परेशान और बेइज्जत होकर मुझे अंत में इस्तीफा देना पड़ा। आप इसका पता करो गूगल से। मेरा ओरिजिनल इस्तीफा लेटर कांग्रेस काल में रिकॉर्ड से गायब करवा दिया गया, परंतु आज सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है तो कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए मेरे इस्तीफा लेटर की कॉपी इंटरनेट पर मिल जाती है। इसके बाद पहली बार देश में लोकसभा के चुनाव 1952 में हुए। मैं चुनाव जीतकर भारत की पहली लोकसभा में जाना चाहता था। मैंने अपनी पार्टी से मुंबई से चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने मेरे ही पीए नारायण कजरोलकर को मेरे सामने अपनी टिकट पर खड़ा करके, षड्यंत्र करके मुझे 15,000 वोट से हरा दिया और बेइज्जत किया। मैं भारत की पहली लोकसभा में नहीं जा सका। फिर दोबारा पहली लोकसभा में जाने का मौका 1956 में आया, जब महाराष्ट्र के भंडारा में उपचुनाव की घोषणा हुई। मैंने यह चुनाव लड़ा। यहां भी कांग्रेस ने मेरी ही बिरादरी के भाऊराव बोरकर को मेरे सामने खड़ा करके मुझे हराया और बेइज्जत किया। नेहरू और कांग्रेस ने मुझे देश की पहली लोकसभा में घुसने ही नहीं दिया, और दूसरी लोकसभा के चुनाव से पहले मैं देह छोड़ चुका था। यह बेइज्जती मेरी मृत्यु के साथ ही नहीं रुक गई, ये चलती रही। मृत्यु के बाद भी जब तक कांग्रेस सरकार रही तब तक मुझे भारत रत्न नहीं मिला। नेहरू ने जिंदा रहते रहते खुद को ही 1955 में भारत रत्न दे दिया। उसकी बेटी इंदिरा, उसके दोहिते राजीव, सबको भारत रत्न दिया गया। यहां तक कि ईसाई धर्म का भारत में प्रचार करने वाली विदेशी मदर टेरेसा को भी भारत रत्न दे दिया गया। बहुत लोगों को भारत रत्न उनके जीवन काल में ही मिल जाता है, पर मुझे मेरी मृत्यु के 30 साल बाद जब वीपी सिंह की गैर कांग्रेसी सरकार आई, तब जाके इसके काबिल समझा। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं यह देखता हूं कि मेरा अपना समाज, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो उन लोगों का वोट बैंक बना हुआ है जिन्होंने ना केवल जिंदगी भर बल्कि मरने के बाद भी मुझे इतना बेइज्जत किया। आशा है कि यह जो कुछ मैंने कहा है इसकी सच्चाई का आप लोग मेरे जन्मदिन 14 अप्रैल से पहले खुद पता लगा लेंगे और मुझे जन्मदिन का यह सच्चा तोहफा देंगे। भारत माता की जय।